फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सॉफ्टवेयर के हम आज आपको टिप्स और ट्रिक्स देने वाले हैं दोस्तों, कि मोबाइल को किस तरह से फ्लैश करना है विदाउट बॉक्स, बग़ैर किसी बॉक्स के किस तरह से फ्लैश करना है, हमें किन किन चीज़ों की उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर 6 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हम किसी भी मोबाइल को हम फ्लैश करते हैं। तो सबसे पहले एक हमारे पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसको हमें फ्लैश करना है, फिर एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए जिससे हम फ्लैश करें, और एक USB केबल चाहिए जिसे हम मोबाइल से कंप्यूटर को जोड़ें, और एक फ्लैश फाइल, जो भी मोबाइल हम फ्लैश करना होता है दोस्तों उसकी फ़ाइल हमें होनी होती है, और उसके लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है और एक फ्लैश टूल। तो एक मोबाइल, एक कंप्यूटर, एक USB केबल और USB ड्राइवर और एक फ्लैश टूल चाहिए हमें जिससे हम उस फाइल को, उस मोबाइल को फ्लैश करें। दोस्तों, ये 6-7 चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फ़ाइल कहाँ से डाउनलोड करना है ये पता नहीं तो आप गूगल में जाइए और जाकर मोबाइल का नाम लिख दें, सैमसंग B310E। जैसे आप मोबाइल का नाम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहली वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, आप GSM फोरम से, GSM डेवलपर जो वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ से आप फ्लैश फाइल को डाउनलोड करें। ये टेस्टेड फाइलें होती हैं जिसे ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ होता है, मोबाइल के अंदर यूज़ किया होती हैं। तो यहाँ से आप क्लिक कर लें, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक MediaFire की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का जो डाउनलोड का बटन है इसे आप क्लिक कर दें, आपकी फ़ाइल ये देखिए लेफ़्ट साइड में नीचे यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, डाउनलोड है, तो इसे राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप जब भी कोई भी स्टॉक रोम फाइल या फिर फ्लैश फाइल को आप डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, एक टूल भी उसी के अंदर हमें मिलता है दोस्तों, और ड्राइवर भी उसी के अंदर हमें मिलता है, और उस मोबाइल की फ़्लैश फाइल भी हमें उसी फाइल के अंदर मिलती है। तो यहाँ से हम ये देखिए, यहाँ से आप इस टूल को ओपन कर लें और ओपन करके लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पर पोर्ट का बटन है। यहाँ से देखिए पोर्ट के ऊपर जो बटन है, यहाँ से ये SPD का टूल है दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर SPD का CPU है, तो यह सैमसंग का मोबाइल है, इसे हम इस SPD वाले टूल से हम फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइल को अपलोड कर दें और इंस्टॉल कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने, यहाँ पर हमारी एक वेबसाइट है स्मार्ट टेलीकॉम के नाम से, यहाँ पर विज़िट करिए, मोबाइल के रिलेटेड सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल है, और फेसबुक से भी जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।